राजधानी दिल्ली में लंबे चले लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत की गई है और इसमें शर्तों के साथ सभी चीज़ों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन रियायतें मिलने के बाद लोग नियमों का अवहेलना भी करते नजर आ रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा चौकसी बरता जा रहा है। अभी हम दिल्ली के बड़े सब्जी मंडियों में से एक ओखला सब्जी मंडी में हैं। यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ है, कई लोग आपको दिखेंगे, बिना मास्क के भी आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या यहाँ पर हाल है, कई लोग बिना मास्क के भी आपको नज़र आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जो एहतियात है वो बरत रहे हैं, और सिविल डिफेंस के कर्मी जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं। दिख रही है लोगों की संख्या है, लेकिन बड़ी संख्या में जो है जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं सिविल डिफेंस के कर्मी जो हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर कर के लोगों को बता रहे हैं। आपस में दूरी बनाए देख सकते हैं, मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के मंडी परिसर में कोई भी ना रहे। आप देख सकते हैं इस तरीके का अनाउंसमेंट लगातार जो है जो यहाँ पर लोग जो तैनात हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ पर भीड़ भाड़ भी आपको दिखेगी। और अभी 9 बज रहे हैं करीब, और कई लोग बिना मास्क के भी आपको नज़र आएंगे। हालांकि इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर टीमें तैनात हैं और लगातार लोगों के फाइन भी किया जा रहा है और एक क्रम लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ देखें तस्वीरें तो यहाँ पर जो बाजार समिति है उसके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट का जो दौर है वो जारी है और यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि लोग पालन करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर नियमों का उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा है। आशुतोष कुमार, ETV भारत, दिल्ली।